हमारे व्लॉगर परेशान घूम रहे इधर। बाकी मौसम हो गया बहुत अच्छा। Hey guys, good morning. Welcome back to the channel. और भाई अब हम रेडी हो गए, अब मॉर्निंग हो गई शिमला में जी। निकल रहे नारकंडा के लिए, सब भाई ने रेडी हो लिए। गुरुजी गुड मॉर्निंग, तैयार? हाँ रेडी। नहा धोके? नाना है भाई, खुले बता रहे नाना। अस्सलाम वालेकुम। जग्गू प्रधान रेडी भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई रेडी, तैयार। कहाँ चल रहे हैं अब? नारकंडा के लिए रवाना होते भाई। वहाँ क्या देखे हम? हंट टेम्पल। हाँ हंट टेम्पल नाम की जगह है भाई, वहाँ पे चलते हैं। दो चार जगह मिली हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है क्या नहीं, और गूगल कर लेंगे कोई अच्छी। और अपना जो प्रोग्राम था भाई, एक बार बता दूं, अपना जो प्रोग्राम शुरू हुआ था वो था कुछ और, मतलब चितकूल साइड जाने का था, इंडिया का जो आखिरी विलेज था भाई, क्योंकि वहाँ हम नहीं जा पाए, उसके लिए बैड न्यूज है। तो रोड गिर गया भाई, 400 मीटर रोड क्लोज हो गया, हमेशा फंस जाते हैं, बहुत मूड खराब हो जाता, तो इसलिए हमने प्लान चेंज किया है लद्दाख का, लेह के लिए कश्मीर होते हुए वापस घर। बहुत कुछ मिलने वाला है भाई, चलो 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 चलो। दिन निकल रहा है, 9:30 बज रहे हैं, 10 बज गए। नीचे थे हम, जमीन के नीचे को सेट दे रहा हूँ। तो भाई मौसम हो रहा है बहुत 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 प्यारा, सर्दियों वाली फीलिंग आ गई भाई, क्योंकि हमारे साइड तो साल में एक बार ही आती है, यहाँ परमानेंट रहती है। भाई मौसम कैसा हो रहा है जग्गू? एकदम मस्त मौसम। वो खड़ी भाई अपनी गाड़ी सामने। नाश्ता करते हैं इधर, पहले भी रुके थे एक बार, अच्छा लगा था। कोई नहीं, चले भाई नाश्ता पानी कर ले, करते हैं भाई जान। मौसम हो रहा है बहुत जबरदस्त, आ जाओ नाश्ता करते हैं, आ जाओ आ जाओ। आपका हमें बाहर से अच्छा लगा देखने के लिए सिस्टम, तो सोचा ये नाश्ता करेंगे, क्या खिलाओगे हमारे लिए? कोई नहीं सर, जो आप बोलेंगे। भाई नाश्ते के लिए जबरदस्त व्यू मिला है मुझे तो, वेरी नाइस। अंकल जी ठीक ठाक हो? बैठ रहे हैं। जबरदस्त मिला है भाई नजारा, चलो बैठो। तो भाई ट्राई करते हैं ड्रोन शॉट लेके अपना नाश्ता करते हैं यहाँ पे, और 3-2-1 गो। अपने को मिला यहाँ पे सर्विस स्टेशन, कार वॉश कराते हैं अपनी, गंदी बहुत ज्यादा हो रही है। कितना टाइम लगेगा गुरु जी? 15-20 मिनट। अच्छा चलो भाई 15-20 मिनट वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बार बार में हर जगह पे यहाँ पे सर्विस स्टेशन वगैरह नहीं मिलता, कल से ढूंढ रहे थे बड़ी मुश्किल से मिला ये भी छोटा। अपनी गाड़ी भी होगी, चलो भाई आ जाओ।
निकलते हैं भाई, टाइम कर दिया बहुत ज़्यादा ख़राब हमने, अपने को 12 बजे तक पहुंच जाना था और अभी रास्ते में अटके हूँ, अभी तो 30-40 किलोमीटर बाकी है, बाकी मौसम बहुत अच्छा है, चलो फिर चलते हैं। आगे लगा हुआ है भाई जाम, पता नहीं कितने देर ख़राब करेगा हमारी, कितना टाइम ख़राब करेगा, कितनी देर लगेगी कितनी देर नहीं लगेगी खुलने में कुछ नहीं पता। तो भाई कहना ये था कि भाई बड़ा कंफ्यूजन आया हुआ इस बार, क्योंकि जब हम आए थे घर से तो सीधा बताया था आपको भी चित्कूल साइड जाएंगे, इंडिया का जो आखिरी गांव है, तो यहाँ आके पहुँचे थे शिमला परसों, तो यहाँ बता रहे थे कि भाई वो रोड क्लोज है, उधर जाना बेकार है, रिस्की भी है और 400 मीटर रोड क्लोज हो चुका है, तो इसलिए हमने रूट चेंज कर दिया था। हमने सोचा लेह लद्दाख साइड होते हुए कश्मीर जाएंगे हम और वहाँ से फिर अपने घर निकल जाएंगे। बाकी अब दोबारा से कॉल आई है, पता चला है कि भाई वो रोड खुल चुका है, रास्ता क्लियर है, तो इसलिए थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा था अब प्लान चेंज करूँ या ना करूँ। बाकी देखते हैं आगे, देखना अभी क्या रहता है क्या नहीं बताते हैं आपको। तो अभी चलते हैं हम नारकंडा, बहुत टाइम खराब कर दिया रास्ते में। शॉट कैसे लगे भाई, सब दोस्त देख के बताना, और जग्गू भाई गाड़ी चला रहे देख लिए होंगे, देख के क्या बताना भाई, जबरदस्त व्यू था भाई, कमाल है। चलो फिर पहुंचते फटाफट, क्योंकि यार यहाँ पे ना जो आपको पता है रास्ते तो देखो कैसे होते हैं, यहाँ तो फिर भी अच्छा रोड है तो बना हुआ है और पीछे के रूट सारे टूटे हुए हैं, इसलिए अपने को थोड़ा रुक रुक के और स्लो स्लो चलना पड़ रहा है। और पहाड़ों के रोड में आपको पता है, एक किलोमीटर भी बड़ी मुश्किल से कटता है, क्योंकि यार सीधा जाने में और इधर इधर से घूम के फिर के जाने में बहुत फर्क होता है। ये भाई अपनी गाड़ी के ऊपर आटू टेम्पल के लिए रास्ता रहा, नीचे से बड़ा थोड़ा हैवी है, चलो चलो चलो। चलो चलो जान दो भाई, ओके घूमने में। लोकेशन मिली है बहुत जबरदस्त, इस पे करते हैं ड्रोन शूट और देख के बताना भाई कैसा लगा। जगह है बहुत प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, आप देख सकते हो ये अपनी थार, इधर लेते हैं ड्रोन शूट भाई देख के बताना।
आ चुके हैं टॉप पे हाटू टेंपल पे। ये भाई जबरदस्त ठंड पड़ रही है यहाँ पे। और भाई जो बंदे लेके आ गया था जैकेट वगैरह वो निकला चालाक और हम हो गए यहाँ पे पागल। कोई नहीं, खैर नजारा भी नहीं लग रहा, झेल लेंगे। चलो फिर फिलहाल शायद बंद है, बट एक बार ट्राई करते हैं इसमें एंट्री मिलती है या नहीं। ये हाटू टेम्पल का भाई सिस्टम पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। आ जाओ ना, देखते हैं भाई क्या मिलता है इसमें। हाटू टेम्पल नाम ही सुना है बस, देखने के लिए पहली बार आए आज। बाकी ठीक है, एंजॉय आ रहा है क्योंकि अपने वहाँ पे तो गर्मी पड़ रही है बुरी, पसीने में नहाए रहते हैं पूरे दिन। यहाँ पे तो भाई ऐसे समझो अपने वहाँ पे जनवरी चल रहा हो। ये पीछे भाई आ रहे हैं अपने एरिया के हैं मेवात से, और यहाँ का इनका ट्रांसपोर्ट का काम है। इन्होंने हमारी लाइव पे देखा था हमको, तो आगे मिलने यार मोहब्बत अच्छी चीज़ है भाई। ये भाई हाटू टेंपल का गेट। भाई जेत भाई को लग रही है ठंड, हालत खराब। बंदा कांप रहा है ठंड से, ठंड में हाथ चलना बंद। ऐसा लग रहा है जैसे अपने वहां पर दिसंबर में मौसम होता है। भाई ये है यहाँ का हाटू टेंपल। इसमें पता है क्या है, कितना अच्छा सिस्टम है। पार्क, पूरी पार्क है, गार्डन है, फिर भी देखो यहाँ पे इन्होंने जूते रखने के लिए जगह बनाई है, जूते घर। चलो भाई ये भी ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है शायद, अब कोई नई बिल्डिंग खड़ी होने वाली है फ्यूचर में। भाई ये ऐसा समझो चाइना में आ गए हम, चाइना वाला ही इसका लुक आ रहा है। कुल मिला के फाइनल बात ये है कि यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर है, टॉप पे है, यहाँ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, ये सारा नीचे ही जा रहा है। और नीचे बोल रहे हैं कि यहाँ पे चाइना का बॉर्डर भी है इसके आसपास में कहीं पे नीचे की साइड, अगर गिर गए तो बॉर्डर पे जाएंगे बोल रहे हैं। ये इसका मेन गेट है भाई हाटू टेम्पल। अपने को एंट्री तो करनी नहीं है, बाकी बोल रहे हैं अंकल जी वहाँ पे बैठे हैं एंट्री कर सकते हैं अगर किसी को करनी है तो। मौसम ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, बट क्या है अगर हम आते हैं यहाँ पे चार बजे, तीन चार बजे के समथिंग, तो भाई अपने को मिलता थोड़ा क्राउड भी मिलता और थोड़ा सूरज की समझ रहे हो रोशनी भी मिलती, उससे थोड़ा अपना और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाता वीडियो में। और कुछ नहीं, बाकी हमने तो दिखाना था भाई, दिखा दिया आपके लिए, क्योंकि आपको बोर नहीं होने देंगे हम, कहीं भी जाए कहीं भी चढ़े कितने भी रिस्क लें, बट नहीं होने देंगे बोर। क्यों भाई जैद? बिल्कुल। और अंकल जी बता रहे थे भाई यहाँ पे 3 से 5 बजे तक रस रहता है, उसके बाद में फिर शाम हो जाती है नीचे जाने में। हाँ मतलब 12 बजे के बाद यहाँ पे 5 बजे तक, 12 के बाद 5 तक यहाँ पे क्राउड रहता है शायद, ऐसा बोल रहे हैं वो, रहता ही होगा बोल रहे तो। अरे भाई यू मेहनत जो है यू अपने बाबा को ना करी जा रही, तमनु करी जा रही सार भाई, अब दिल से साथ दे दियो ठीक है ना, कसम। सामने भी है मंदिर की प्रॉपर्टी भाई, कृपया फूल ना तोड़े। ये हाटू पीक 3400 मीटर ऊपर है, यू आर एट द, नो सॉरी इसमें तो नीचे लिखा है, यू आर एट द 11152 फीट हाइट। वाह, इसको बोल रहे हैं कि ये, मेरे कंफर्म याद नहीं आ रहा, शायद उन्होंने बोला था कि ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मंदिर है ऐसा कुछ बोल रहे थे। और बाकी उसके अलावा इंडिया का तो है ही, ये तो है। देखो कहाँ चढ़े हुए अपने साथी, बंदरों से कम नहीं है, सॉरी। चलो उधर चलते हैं, अगर रिपट के गिर गए तो सीधा चाइना में जा रही एंट्री होगी, ये देख लेना। रिस्क लेना भाई, रिस्क रील बना दें फिर ही नहीं। अच्छा है ये भी वैसे तो, देखने में कुछ अलग सा ही है। चलो चढ़ते हैं इस पे, रुक जाओ 2 मिनट। वही तो
बड़ा हार्ड है यार, ये तो दूर से देखने में लग रहा था। वो खाई भाई, खाई खाई खाई। हाँ आ रहा हूँ, फोन रख ले जेब में। वैसे फोन नहीं रख सकते गुरु भाई, बहुत ही प्यारा सिस्टम है भाई। दिन में आना है ये, नाना 3 बजे से। हाँ यू तो पत्थर इरफान, कौन सा पत्थर है ज्यादा आग मुझे इरफान पत्थर कौन सा बात पता। हम खड़े भाई टॉप पे, दिखना तो कुछ है नहीं, धुंध छा गई बहुत ज्यादा। बाकी तो जग्गू भाई कैसा फील हो रहे हो? कतई एक्साइटेड है, कतई एक्साइटेड है, जहर लग रहा है भाई। ऐसा लग रहा है खाई बहुत अमंडी है, पत्थर पे खड़े हैं भाई, सारे चारों वहां से छिला हुआ पत्थर। भाई आपस में भाई, सूरज निकल आया बाहर, देखते हैं कुछ मिलता है। वो तो गया थोड़ा ब्राइटनेस, आ जाओ। धुंध भी कम हो रही है इससे तो, टाइम पे निकला है, टाइम पे बिल्कुल। तो भाई साइम भाई क्या लग रहा है लोकेशन का नजारा? भाई बढ़िया लग रहा है, वहाँ पहाड़ों पे उसके चढ़े थे पत्थर पर, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। वो डायलॉग बोल रहा है। अरे नहीं भाई, हमारे व्लॉगर परेशान घूम रहे इधर। बाकी मौसम हो गया बहुत अच्छा जी। कौन सी तो भाई अपना यही था यहाँ पे जो देख लिया, फिलहाल बंद था इसलिए थोड़ा बहुत जितना हुआ इतना दिखा लिया। अब निकलते हैं यहाँ से अपने वापस घर के लिए, नहीं सॉरी जहाँ पे स्टे करेंगे वहाँ के लिए। तो अपनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, चलते फटाफट। तो भाई ये था हट्टू टेम्पल आपका, और यहाँ की लोकेशन क्या थी, कोई क्या मौसम था कैसा था, आपको सब कुछ दिखा दिया इस व्लॉग में। तो और ये हमारी ट्रिप थी मतलब शिमला से नारकंडा और हट्टू टेम्पल की। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो भाई इसलिए थोड़ा इतने आप सपोर्ट करो, थोड़ा ध्यान दो।